हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेयर ए बी सी के द्वारा चार जो गेम्स खेले गए हैं उनके पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। जैसे प्लेयर ए ने फर्स्ट गेम में 14 पॉइंट स्कोर किए, सेकेंड गेम में 16 पॉइंट स्कोर किए, थर्ड गेम में 10 पॉइंट स्कोर किए और फोर्थ गेम में 10 पॉइंट स्कोर किए। इसी तरह से प्लेयर बी और सी के भी यहाँ पे पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। यानी ए का एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या है पर गेम। यानी सिंपली इसका मीन निकालना है, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकाल देते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट के लिए करेंगे, मीन स्कोर निकालना है, मीन स्कोर ऑफ ए। मीन का और एवरेज का ए की मतलब होता है। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस वही होती हैं जिनकी यहां पे बात चलती है। यहां पे क्या है, गेम के पॉइंट्स है ना, तो यहां पे 14, 16 और 10 और 10 इनका सम किया जाएगा ऊपर ऊपर। तो 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, ये तो हो गया है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस चार हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसको चार से ही डिवाइड किया जाएगा। ऊपर ऊपर सम कर देते हैं, 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 50। तो 50 ऊपर आ गया सम और डिवाइडेड बाय 4। 50 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 वन ज़ार 4 हो गया, माइनस करके 1, ऊपर से 0, 2 ज़ार 8 हो गया, माइनस करके 2, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा लिया और ये 5 पे चला गया 20। तो 12.5। तो ए का जो मीन स्कोर है ना पर गेम, वो 12.5 है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इसके चारों के चारों स्कोर्स को जोड़ के बराबर कर दिया जाए ना, तो एक गेम में उसके 12.5 पॉइंट्स माने जाएंगे। ये फर्स्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट करता हूं मैं, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4, व्हाई। क्वेश्चन कहता है कि जब आप सी के मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालेंगे तो आप 3 से डिवाइड करोगे कि 4 से डिवाइड करोगे और क्यों करोगे, ये बताओ। तो सी पे ध्यान दीजिए, सी जो है गेम 1 खेल रहा है, गेम 2 को भी खेल रहा है और गेम 3 डिड नॉट प्ले, तीसरा गेम वो खेल ही नहीं रहा, और गेम 4 खेल रहा है, 13 पॉइंट्स उसको मिल रहे हैं। तो जब सी गेम 3 खेल रहा है तो हम इसके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स को भी 3 से ही डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं करेंगे। तो सेकेंड का आंसर अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ। हमसे पूछा है ना कि 3 से करेगा कि 4 से डिवाइड करना है, तो हम लिखेंगे वी डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3। हम 3 से डिवाइड करेंगे और क्यों करेंगे इसका भी जवाब देना है। बिकॉज सी प्लेड 3 गेम्स, क्योंकि उसने गेम ही 3 खेले हैं। अब यहां पे बस इतना ही पूछा है हमसे, लेकिन मैं इसी के अंदर इसका जो है एवरेज स्कोर भी निकाल देता हूं, क्योंकि आगे मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं मीन स्कोर ऑफ सी भी यहीं पे निकाल देता हूं, मीन स्कोर ऑफ सी। अब सी का जब मीन स्कोर निकालेंगे तो सी के ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम ऐड करेंगे ऊपर, यानी 8 प्लस 11 प्लस 13, और 3 से डिवाइड करेंगे। ऊपर ऊपर जब मैं इनका सम करता हूं, 10, 20, 30, ये 32 हो जाता है, 32 डिवाइडेड बाय 3। अब इसे डिवाइड कर लेता हूं मैं, 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 वन ज़ा 3 हो गया और यहां पे ऊपर से 2 आ गया। अब ये तो छोटा पड़ रहा है, जब छोटा होता है तो हम 0 तक का टेबल पढ़ते हैं, 3 0 ज़ार 0, और माइनस करके यहां पे 2 आ गया। अब हम पॉइंट लगा के यहां 0 लगा लेंगे। अब 6 पे जाएगा ये, 3 6 ज़ार 18 हो गया, माइनस करके 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 लगा सकते हैं यहाँ पे। अब ये भी 6 पर ही जाएगा। अब बार बार वही हो रहा है, 2 आ रहा है 0 लगाएंगे, 2 आ रहा है 0 लगाएंगे, यानी 10.666 ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसका आंसर हम यही लिख देते हैं, 10 पॉइंट, और 2 बार 6 लिख देता हूँ मैं। तो ये इसका मीन स्कोर हो गया। थर्ड पार्ट देखिए,
बी प्लेड इन ऑल फोर गेम्स, बी ने चारों के चारों गेम्स खेले हैं, हाउ वुड यू फाइंड द मीन? तो आप इसका मीन कैसे निकालोगे? अब जब बी ने चारों गेम्स खेले हैं तो इसके जो पॉइंट्स हैं उन सब का सम करके हम फोर से डिवाइड करेंगे, सिंपल इतनी सी बात है। तो थर्ड में हम यही करेंगे, तो मीन स्कोर ऑफ बी निकाल देते हैं अब। तो बी के जो पॉइंट्स हैं वो हैं 0864, 0 + 8 + 6 + 4, और इसको फोर से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसने चारों गेम्स खेले हैं। तो इनका जो सम बन रहा है यहाँ पे 10 और 8 18 हो गया है, इसको फोर से डिवाइड करना है। 18 को फोर से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो फोर फोर ज़ार 16 होता है, माइनस करके 2 आ गया, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा लिया मैंने, और ये 5 पे पूरा चला गया, 4 5 ज़ार 20, तो इसका आंसर आया है 4.5। ये थर्ड का हुआ आंसर। फोर्थ में क्या कहता है, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, यानी सबसे बेस्ट कौन परफॉर्म कर रहा है? अब सबसे बेस्ट परफॉर्म वही तो करेगा जिसकी एवरेज सबसे अच्छी होगी। अब तीनों की एवरेज आपके सामने है, देखिए ए की जो एवरेज है पर स्कोर मीन स्कोर वो 12.5 है, बी की जो है वो ये रही 4.5, और सी की मैंने यहाँ सेकंड पार्ट में निकाल लिया 10.66। अब इनमें सबसे अच्छी जो एवरेज है जिस प्लेयर की वही बेस्ट परफॉर्मर है, यहाँ पे 12.5 सबसे ज़्यादा है और ये ए का मीन स्कोर है। तो थर्ड सॉरी जो फोर्थ है इसका आंसर यही होगा कि ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।